हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट एंड टाइम सेटिंग के बारे में। अगर आप डेट एंड टाइम चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। चलिए, हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको अपडेट एंड टाइम चेंज करना है तो आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो सेट टाइम ऑटोमेटिकली, तो गाइस इसको आप ऑफ करेंगे। इसके बाद आप इसको कस्टमाइज कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना है टाइम, ठीक है। और यहाँ से आप डेट और टाइम दोनों अपने हिसाब से आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 24 आवर वाला रखना तो ये रख लेंगे आप यहाँ से, ठीक है। यूज़ लोकेशन टाइम ये सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप से अपने फ़ोन के अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम। वापस से अगर आपको ऑटोमेटिक करना हो तो गाइस ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है मेथड, हो जाता है इजीली, ऐसे करके आप कर पाएंगे। तो गाइस, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।